आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर को हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। मेटल डिटेक्टर जो है वो एक किस्म का होता है, ये हमारे पास मेटल डिटेक्टर होता है जिसे हम लोग सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके जो पर्पस हैं वो यहाँ पे लिखने के, हम इसे क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके जो पर्पसेस हैं उनमें हम लोग इसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए हम इसे सिक्योरिटी पर्पस में इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, इसे हम लोग किसी भी मेटल को, बहुत अच्छे की बरड हो या हमें कोई भी मेटेलिक बॉडी के बारे में डिटेक्ट करना हो तो हम लोग डिटेक्शन ऑफ मेटेलिक बॉडी के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ मेटल्स, हम लोग मेटल्स की डिटेक्शन के लिए या कोई भी मेटेलिक बॉडी है उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमें मालूम है कि हमारी ज़मीन के अंदर बहुत सी मादनियात वगैरह पाए जाते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए बजाय अब हम खोद खोद कर तो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते ना, हमें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए जो हम ज़मीन के ऊपर जैसे ही मूव करें तो हमें उसकी अलार्म से या उसके अंदर ऐसा सिस्टम ऑपरेट होता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर इस जगह पर इतनी फीट के अंदर जो है कोई मेटल है, कोई मेटल बरेड है। इसके अलावा जो है हम इसे पानी के अंदर कोई अगर फॉरेन बॉडी वगैरह भी हो तो उसे उन्हें डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग जो है मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल डिटेक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि इससे हमें डिटेक्शन ऑफ मेटल्स पता चल जाती हैं, कौन सी मेटल कहाँ पर है, कोई भी मेटेलिक बॉडी है उसके बारे में पता चल जाता है, कोई वाटर के अंदर बॉडी है उसके बारे में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग सिक्योरिटी पर्पजेस में इस्तेमाल करते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका जो सर्किट है वो किस तरीके से बना हुआ है और उसका प्रिंसिपल क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं यानी कि ये किस प्रिंसिपल के तहत जो है काम करता है, हमें किस प्रिंसिपल के तहत जो है इसके बारे में पता चलता है कि इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बेस करता हुआ ये पूरा का पूरा सर्किट, पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। वो प्रिंसिपल ये है कि ये जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन के थ्रू काम करता है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ये इसका प्रिंसिपल है, मतलब जब भी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं और RLC सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हों तो हमारे पास ये जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारा जो सर्किट है, जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर का सर्किट बना होता है उस सर्किट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होना मस्ट है। और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन किसके अंदर होती है, RLC सर्किट के अंदर होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है डिपेंड करती है उसकी जो है इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे, उस सर्किट की जो भी इंडक्टर और कैपेसिटेंस होती है उसके ऊपर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का प्रोड्यूस होना मस्ट है जो कि RLC सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगा और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी RLC सर्किट की वो उसकी इंडक्टर और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इसकी सर्किट डायग्राम तो बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि RLC जो है वो सर्किट है, लेकिन RLC सर्किट किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने तो RLC सीरीज सर्किट भी पढ़ा है और पैरेलल सर्किट भी पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, रेजिस्टेंस को हम इतना बॉदर नहीं करेंगे जबकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस को ज़्यादा करेंगे। इसके जो सर्किट है वो कुछ इस किस्म का बना होता है कि यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर के आगे यहाँ पर जो है कैपेसिटर लगा होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया। इस कैपेसिटर के बाद जो है यहाँ पर एक और सर्किट लगा होता है, लेकिन अगर इसे आप फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये सर्किट बनाना है इसे A1 कह लीजिए, सिमिलरली यहाँ पर भी एक सर्किट बना होता है इस तरीके से जिसमें यहाँ पर जो है इंडक्टर आ जाता है, इस तरीके से इंडक्टर इसमें इस तरफ आ जाता है, मतलब कि बिल्कुल उसी तरह का जो है जैसे इमेज होता है ना किसी चीज़ का, बिल्कुल इमेज की तरह का ही सर्किट एक रियलिटी में सर्किट यहाँ पर लगा होता है। यानी कि जब भी हम लोग मेटेलिक डिटेक्टर की बात करते हैं तो उसमें दो सर्किट्स में भी होती हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। अब जो सर्किट यहाँ पर लगा है उसका भी इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा, यहाँ पर ये जो है इंडक्टर आ गया और ये कैपेसिटर आ गया, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। इसके बाद जो है ये मज़ीद आगे इस तरह से एक्सटेंड किया हुआ है, इस तरीके से इसे बनाने, ये इसका सर्किट डायग्राम है।
जैसा कि हमने बात की है कि हमारा मेटेलिक डिटेक्टर उसी वक्त काम करता है जब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, तो इस सर्किट से जो भी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी उसके लिए यहाँ पर हम एक एडिशनल सर्किट लगा देते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं कि ये ए की ऑसिलेशन के लिए फॉर ऑसिलेशन सर्किट ए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ ए, और सिमिलरली यहाँ पर भी इसके साथ भी एक सर्किट कनेक्ट किया होता है इस तरीके से, उसे हम नाम दे लेते हैं कि ये ऑसिलेशन ऑफ बी है, ऑसिलेशन ऑफ सर्किट बी, इसे सर्किट बी कह देते हैं और ये सर्किट ए है। तो अभी हमारे पास दोनों सर्किट हैं। होता क्या है कि इन दोनों सर्किट से हमारे पास यहाँ पर इनकी जो है ऑसिलेशन से हमारे पास यहाँ पर बीट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसे हम लोगों ने, बल्कि इसे थोड़ा सा सही करके बनाना चाहिए था, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर एम्पलीफाई करना होता है। मतलब कि इस सर्किट से कुछ ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी और कुछ इस सर्किट से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी, और ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इस बीट फ्रिक्वेंसी के बाद बिल्कुल इसके आगे ही हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमारे पास आगे यहाँ पर जो है स्पीकर लगा हुआ होता है, जो कि साउंड को डिटेक्ट कर लेता है। और किस साउंड को डिटेक्ट करता है? जो वहाँ पर उस वक्त मेटल प्रेजेंट होता है। इस सारे सिस्टम का काम क्या होता है? देखिए, जब तक हम इस मेटेलिक डिटेक्टर को किसी भी मेटल के पास ही नहीं होता, मतलब फर्स्ट कर लीजिए कि अभी आप इसे रन करा रहे हैं और ये किसी भी मेटल के पास प्रेजेंट नहीं है, तो उस वक्त जो ए की सर्किट की वजह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी सेम होती है, और बी की वजह से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है वो भी सेम होती है। और आपको मालूम है कि जब जो है फ्रिक्वेंसी सेम हो आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से आपके पास कोई भी बीट फ्रीक्वेंसी नहीं आती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे आ सकती है। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई मेटल आ जाती है, यानी कि इस तरीके से मूव कराता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई मेटल है, लेट्स से कि मेटल जो है इस इंडक्टर बी के पास आ गई है, जैसे ही कोई मेटल इस इंडक्टर बी के पास आती है तो उसकी ऑसिलेशन जो है मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑसिलेशन की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशन होंगी, ऑसिलेशन होंगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी एफ बी की जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि इसके इंडक्टर बी की जो इंडक्टर एल बी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बी की बात करती हूँ तो फ्रीक्वेंसी बी जो है वो डिपेंड करती है अंडर रूट एल सी पे। अब एल जो है वो डिनोमिनेटर में है, और जैसे ही उसकी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है किसी चीज़ से, तो जाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्किट ए के लिहाज से वेरी करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे ही बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है तो आगे लगा हुआ एक एम्पलीफायर होता है जो कि इसको इनहेंस कर देता है। उसके बाद आगे एक स्पीकर होता है जिसके थ्रू जो है हमें डिजिटल साथ फंक्शंस लगे होते हैं, उसके थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस साउंड वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, दूसरी वेव्स आना शुरू हो जाती है, मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि इस अर्थ में यहाँ पर इस वक्त कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से क्या चीज़ मौजूद है, तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसी फ्रिक्वेंसी बी जो है वो इंक्रीज हो, या ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कह लीजिए, ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी बी इंक्रीज हो जाती है ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ए से, तो हमारे पास जो है बीट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और ये उस वक्त होती है जब इंडक्टर बी की जो वैल्यू है डिक्रीज करना शुरू हो जाती है इंडक्टर ए की वैल्यू से। जाहिर सी बात है इंडक्टर की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, या मेटल जो है उसके इंडक्टर के करीब आ गई है, ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कम होने से तो हमारे पास ऑसिलेशन ज़्यादा हुई है और बीट फ्रिक्वेंसी के अंदर फर्क आया है। अगर ये चीज़ ना होती, ऑसिलेशन ना इंक्रीज होती, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती, यहाँ पर सर्किट ए है और ये सर्किट बी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती तो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती थी, और बीट फ्रीक्वेंसी ना प्रोड्यूस होती तो हम कभी भी मेटल को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम इसे अर्थ पे मूव करते हैं ना, तो जहाँ पर भी कोई मेटल का पार्ट जो सर्किट ए के करीब आ जाए या सर्किट बी के करीब आ जाए, तो उसके लिहाज से उस सर्किट के इंडक्टर की वैल्यू जो है डिक्रीज करना शुरू हो जाती है और ऑसिलेशन वेरी करना शुरू हो जाती है। ऑसिलेशन दोनों की जब वेरी करेगी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी वेरी करने से हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसे हम लोग एम्पलीफायर करते हैं और स्पीकर के थ्रू जो है हमें पता चल जाता है। अब देखें कि जब ये जो ई है
अगर वो सर्किट एक इंडक्टर के पास आ जाता तो एक इंडक्टर की वैल्यू कम होना शुरू हो जानी थी और इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देनी थी। तो ये मेटल डिटेक्टर है, उसे हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसको सबसे इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो इसकी टाइप है, इसकी टाइप में से वो हिटरोडाइन मेटल डिटेक्टर है। हिटरोडाइन मेटल डिटेक्टर हिटरोडाइन मेटल डिटेक्टर को हम लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो इसकी टाइप की वजह से इस्तेमाल होने वाला सबसे बेस्ट वे बेस्ट जो टाइप है वो हिटरोडाइन मेटल डिटेक्टर की है, जिसे हम लोग ज़्यादातर अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें मेटल डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना हो किसी भी मेटेलिक बॉडी के इंडिकेशन के लिए, तो वहाँ पर हम लोग जो है हिटरोडाइन मेटल डिटेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमें सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी यूज़ करना हो तो हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।